वंडरशेयर फिल्मोरा के कुछ बेसिक चीज़ें देखी हैं कि वंडरशेयर फिल्मोरा होता क्या है, उसमें कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। पहले तो वंडरशेयर फिल्मोरा किस लिए काम आता है, वंडरशेयर फिल्मोरा जो काम आता है वो वीडियो एडिटिंग के लिए काम आता है, आपके प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है, और जो है अलग अलग वीडियो का अलग अलग इफेक्ट्स या फिर ट्रांजिशन देने के लिए काम आता है। सबसे पहले यहाँ पे टूल्स मैं दिखाता हूँ, सबसे पहला है टूल बार दिखाता हूँ, सबसे पहले है मीडिया। मीडिया में आप जो है आपका वीडियो इमेजेस या ऑडियो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपली इस प्लस पॉइंट को आप क्लिक कर लो और यहाँ पे आपको जो भी वीडियो रहेगा वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, वीडियो हो या फिर ऑडियो हो या फिर इमेज फाइल हो, आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता ऑडियो, यहाँ पे अलग 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 ऑडियो है आपको यूज़ करना है, इसके पास पहले से इनबिल्ड होते हैं वंडरशेफ फिल्मोरा में ऑडियो, आपको यूज़ करना है तो यूज़ करो, या फिर आपके पास अगर कोई ऑडियो रहेगा तो सिंपली मीडिया के अंदर जाके प्लस पॉइंट पे क्लिक करके आपको यहाँ से आप जो है ऑडियो भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि MP3 है, MP3 ऑडियो जो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है टाइटल्स, टाइटल्स में अलग अलग होते हैं। ओपनर्स मतलब जब आप मूवी देखते हो, मूवी के अंदर देखो सबसे पहले एक टाइटल्स आते हैं, डायरेक्टर्स के नाम आते हैं, फिर सिंगर्स के नाम आते हैं, तो आप यहाँ से उसको ओपनर्स बोलते हैं, ओपनर्स टाइटल कहते हैं, तो आप ओपनर्स टाइटल भी यहाँ पे जो है आपके वीडियो के लिए आप ऐड कर सकते हो। फिर आता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर आप वीडियो को अलग 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 ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं, अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट्स मतलब जैसे कि वो वीडियो जो है जूम इन हो रही है, जूम आउट हो रही है, और उसको वीडियो को फेड है, आप वीडियो को फिर बार्स देख सकते हो, मॉर्प दे सकते हो, अलग 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 उसको जो है आप ट्रांजिशन दे सकते हो। फिर उसके बाद इफेक्ट आता है, इफेक्ट के अंदर आपके वीडियो का अलग अलग इफेक्ट भी दे सकते हो, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट दे सकते हो, 1977 का जो इफेक्ट है वो भी दे सकते हो, और ग्लिच भी दे सकते हैं आप, ग्लिच भी आपके वीडियो को आप ग्लिच भी इफेक्ट दे सकते हो, अलग अलग इसके अंदर इफेक्ट्स है। इसके बाद आता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में जो है अलग अलग एलिमेंट्स है, मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद जो एलिमेंट्स आता है ये वाला आता है। आपको जो पसंद आता है आप उसके अंदर आपकी वीडियो के अंदर आप एलिमेंट्स रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखते हैं, एक वीडियो बना के देखते हैं। अब मैं मीडिया पर जाऊँगा, यहाँ पे प्लस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, और जहाँ पे मेरा वीडियो है कंप्यूटर के अंदर वहाँ पर जाके मैं सिंपली वीडियो को लूँगा, ये वीडियो है मेरे पास, इस वीडियो को ले लूँगा, ये वीडियो आ गया है ना। अब ये वीडियो के अंदर कोई वॉइस नहीं है, आवाज़ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे वॉइस चाहिए। अगर आपके वीडियो में वॉइस है तो बेटर है, अगर आपको वॉइस चाहिए तो वॉइस हटाओ, जैसे कि आपका कोई वीडियो है, वीडियो के अंदर आपको वॉइस हटाकर आपका सॉन्ग्स वगैरह रखना है तो आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट करने के बाद एक MP3 फाइल है, इसको इम्पोर्ट करूँगा मैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक और मैं इमेज फाइल इम्पोर्ट करूँगा, इमेज फाइल मेरी डेस्कटॉप पे है तो मैं डेस्कटॉप पे से इमेज फाइल को ले लूँगा, ये वाली, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे एक ओपनर रखना है ना, टाइटल्स में जाऊँगा, ओपनर्स पे आपकी मर्जी, रखना है तो रखो, रखना मत रखो। फिर यहाँ पे मैंने ये वाला ओपनर्स ले लिया जो कि मेरा फेवरेट है, इसको ड्रैग और यहाँ पे सिंपली ड्रॉ, ये ओपनर्स आ गया। अब क्या करना, डबल क्लिक करना है ओपनर्स पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाय माय नेम इज आसिम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना है इसको, फिर यहाँ पे लिखना है डेमो, ठीक है। अब इसको थोड़ा जो है ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो उसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। बस हो गया यहाँ पे, फिर उसको ओके, ठीक है। उसके बाद आपको मीडिया पे फिर से जाना है, आपको अब मीडिया ऐड करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो को नेक्स्ट फ्रेम में लेंगे। अगर आपको फ्रेम ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड में यहाँ पे जाके आप प्लस के ऊपर क्लिक करके ऐड ट्रैक भी कर सकते हो, एक और ट्रैक आ जाएगा, है ना। तो अभी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है।
ओके ठीक है, अब ये इसके ऊपर आ गया तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसके बाद ये वीडियो आनी चाहिए। ठीक है देखो, इसके ऊपर आ गया तो ऐसे नहीं चाहिए, इसके बाद ये वीडियो आनी चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका ग्रीन स्क्रीन हटाना है। तो देखो, ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाता है, ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं ताकि वो बैकग्राउंड हटा सके, है ना। तो इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आप उसके अंदर बैकग्राउंड जो है रिमूव कर सकते हो, ना। डबल क्लिक कर लो इसके ऊपर, यहाँ पे आपको क्रोमा की दिखेगा, डबल क्लिक करने के बाद आपको क्रोमा की दिखेगा, क्रोमा की पे चेक बॉक्स कर लो, ग्रीन स्क्रीन हट गई। ठीक है, फेदर देना है फेदर दे दो, कम करना है कम कर दो, आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे मुझे एक जो है बैकग्राउंड देना है ना। तो यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे नीचे साइड इसको ड्रॉप किया। अगर आपके पास ट्रैक नहीं हो रहे, ये जो दिख रहा है ये सिंबल वीडियो का है और नीचे जो ट्रैक है सिंबल ये ऑडियो का है, आप ऑडियो का और वीडियो का दो ट्रैक आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया ट्रैक। अब देखो, अगर मैं ये ट्रैक को इसके ऊपर ले लूँगा तो ये गायब हो जाएगा, है ना। तो ये जो है फ्रंट है और ये बैक है, ये बैक है और फ्रंट है। अगर मैं इसको फ्रंट कर दूंगा, इसको बैक कर दूंगा, तो ये फ्रंट पे आएगा, ये बैक पे जाएगा, है ना। तो उसको फ्रंट पे रखना है, ट्रैक को उस बैक पे रखना है ना। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो है जूम करना है, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ से फिर से इसको थोड़ा और जूम करूँगा। परफेक्ट, ठीक है, ये मेरा इसमें परफेक्ट बैठ गया। अब इसको थोड़ा सा क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे, है ना, ये हो गया परफेक्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है इसके अंदर, ये जो है इतना, तो इतना पार्ट मैं रिमूव करूँगा। कैसे करते, ये एक सीजर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लो और जो इतना रिमूव करना है तो उसके ऊपर आ जाओ, उस पर क्लिक करो और उसको सिंपली डिलीट प्रेस करो, जो कीबोर्ड पर डिलीट हो प्रेस करो, तो डिलीट हो गया। अभी इसको इसको क्लिक करो उस पर और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब इसका ग्लिच निकल गया। ठीक है, अब ये वाला ऑडियो है गुड मॉर्निंग करके, अब ये ऑडियो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो ये ऑडियो के ऊपर आ गया, ये जो है ऑडियो के ऊपर आ गया ये ऑडियो, और यहाँ पे जो है ये सिंबल वीडियो का। अब ये गुड मॉर्निंग का इसके अंदर ऑडियो आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ऑडियो पे जाना है, सॉरी अभी मुझे क्या करना है, टाइटल्स पे आना है, एक सब टाइटल्स ऐड करना है, क्योंकि ये जो है मेरा ऑडियो जो है गुड मॉर्निंग का है और ये जो है एनिमेशन के ऊपर वो गुड मॉर्निंग कह रही है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टाइटल्स पे आना है, सब टाइटल्स पे, सब टाइटल्स पे लेना है, सब टाइटल्स लेना है, ये वाला सब टाइटल्स लेना है। इसको मैं ड्रैग करूँगा सिंपली, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप करूँगा, ये आ गया सब टाइटल, थोड़ा ऊपर है, इसको नीचे करूँगा, डबल क्लिक करूँगा सब टाइटल पे और उसको थोड़ा जो पहले से लिखा हुआ है उसको रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको ट्रैक करके इसको थोड़ा सा इसको जो है उसकी लेंथ बड़ी करूँगा और यहाँ पे उसको जो है 20:48 दे दूँगा, इसका जो है इसकी साइज़ जो है, मैं इसको टेक्स्ट साइज जो है उसको मैं 48 कर दूंगा। अब गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग हो गया तो आर, ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ओके ठीक है, अब मुझे इसको देना है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मैं किसको दूंगा, दूसरे वीडियो को दे दूंगा। अभी ये बोल दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है, अब गुड मॉर्निंग ये हो गया, गुड मॉर्निंग। अब ये अनवांटेड है, ये जो है अनवांटेड है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सीजर पे क्लिक करूँगा, ये दोनों स्प्लिट हो गए, तो ये वाले इसको मैं सिंपली क्लिक करके डिलीट की प्रेस करके डिलीट कर दूँगा। फिर इसके ऊपर यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने क्या किया, टाइटल्स दे दिया। अब क्या करना है, मुझे एक वीडियो ऐड करना है यहाँ पे, इतना होने के बाद। तो यहाँ पे देखो, मीडिया पर जाने के बाद कुछ सैम्पल्स वीडियो, क्योंकि मेरे पास अभी वीडियोज़ नहीं है मेरे, इसलिए मैं सैंपल वीडियो यूज़ कर रहा हूँ।
तो सैम्पल्स वीडियो यहाँ पे कुछ वीडियोज़ है, इस वीडियोज़ को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, ये वीडियो आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं एक और वीडियो लेता हूँ, ये वाला ड्रैग करके यहाँ पे उसको ड्रॉप कर देता हूँ। दो वीडियो आ गए है ना, और एक एक वीडियो लेता हूँ ड्रैग करके उसको ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो नहीं है मेरे, इसलिए मैं ये वीडियो ले रहा हूँ। अब इसको देना है इफेक्ट्स। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ट्रांजिशन देंगे पहले। ठीक है, ट्रांजिशन पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको ट्रांजिशन दूंगा। ठीक है, इसको ड्रैग करके इस वीडियो के अंदर ड्रॉप। ठीक है, अब ये वीडियो देखो आप, ट्रांजिशन बन गया है ना, या फिर कोई और ट्रांजिशन दे दो, ये वाला दे दो। ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन इसको आ गया, या फिर अलग अलग ट्रांजिशन है, ये वाला ट्रांजिशन दे दो है ना। चलो इसको ट्रांजिशन दे देते, ये वाला ट्रांजिशन इसको दे देते। ठीक है ना, अभी फिर ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये वाला दे देता हूँ मैं इसको ट्रांजिशन, ये वाला ट्रांजिशन बेटर दिख रहा है ना। अभी इसको क्या करना है मुझे, इसको तो ट्रांजिशन दे दिया, इसको भी ट्रांजिशन दे दिया, अभी इसको इफेक्ट देना है। तो इफेक्ट पे आऊँगा, अभी मुझे कौन सा इफेक्ट देना है, यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1977 का, यहाँ पे इसको। ठीक है, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब इसको 1997 का इफेक्ट आ गया। ठीक है, परफेक्ट। ओके, पहले से देख लो, माय नेम इज नाजिम, फिर आएगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर यहाँ पे उसको इफेक्ट। ठीक है, आप एलिमेंट से एलिमेंट्स भी दे सकते हो, जैसे कि मुझे एक और ले लेता हूँ। ठीक है, मीडिया पे जाऊँगा, सैम्पल वीडियो में एक और वीडियो ले लेता हूँ मैं, इसको हम दे देंगे एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट देना है, ये वाला एलिमेंट दे देता हूँ उसको, यहाँ पे ऊपर दे देता हूँ, क्योंकि एलिमेंट्स के ऊपर ये वीडियो के ऊपर कभी एलिमेंट्स नहीं होता है, क्योंकि एलिमेंट्स जो है एक ट्रांसफॉर्म वीडियो है इसलिए। ठीक है, आ गया, देखो। ठीक है, तो ऐसे आप वीडियो बना सकते हो वंडरशेयर फिल्मोरा में जो है। इसको मैं एक्सपोर्ट करके आपको लास्ट में बताऊंगा भी कैसा बना है वीडियो। ठीक है, ये हो गया हमारा वंडरशेयर फिल्मोरा। ठीक है, और इसके अभी क्या करना है, हमको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे माय वीडियो, वीडियो का नाम डाल दो, यहाँ पे मैं डालता हूँ डेमो वीडियो। ठीक है, अभी सेटिंग में क्या है, यहाँ पे आप उसको जो है बेस्ट पे है, और आपको जो रिजोल्यूशन देना है तो आप ज़्यादा रिजोल्यूशन दे सकते हो, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन देंगे उतना ज़्यादा वो साइज बढ़ेंगे उसकी। अभी इतना ही रिजोल्यूशन रखता हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे MP4 पे ही करना है उसको। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जहाँ पे जो फोल्डर में आपको एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। चलो डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं, सेलेक्ट फोल्डर, डेस्कटॉप पे आएगा और एक्सपोर्ट। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट होने लगा है।